भगवान, मैं विजयनगर साम्राज्य का कोतवाल, मेरा काम है चोरों को पकड़ना, और महाराज ने मुझे यहाँ नरभक्षी बाघ को पकड़ने के लिए भेज दिया। कोतवाल जी, आप भयभीत हो रहे हैं? नहीं, ऐसा प्रतीत हो रहा है आप भय से कांप रहे हैं। मैं क्रोध से कांप रहा हूँ, बस वो बाघ मुझे एक बार दिख जाए तो मैं उसका आकीट कर लूं। ऐसे क्या देख रहे हो? अरे बताओ भी, क्या चाहिए? उठा लो। क्या इतने उठा लो और लगा लो, सुगंधित तेल भी लगा लो, दरबार के अलावा जीवन में और रखा ही क्या है? जय हो शारदा मैया की जय हो। आज प्रातः काल ही प्रवचन शुरू हो गया, बात क्या है? चलिए आपको कुछ दिखाना है। चलिए। अरे कहाँ लेके जा रहे हो? क्या दिखाओ, क्या दिखाना है? यही तो दिखा रहे, शयन कक्ष। हे अम्मा को भी कुछ दिखाना है क्या? चलिए। अरे ये देखो रसोई घर। रसोई घर में क्या देखना है अम्मा? अरे अब इसको क्या हुआ? ओहो देखो, ये देखो। क्या देखो, क्या कर रहे हो तुम तीनों? मैंने अपना घर सहस्त्र बार देखा हुआ है। पुनः देखो। क्यों पुनः देखो? अरे सुबह सुबह क्यों परेशान कर रहे हैं मुझे? दरबार के लिए प्रस्थान करना है ना। इतने में ही परेशान हो गए? इतने दिनों से प्रतिदिन यही शयन कक्ष, यही रसोई घर, यही कक्ष देख देख के हमारा मन उब गया है, परेशान हो गए। अरे अपने परिवार की कोई चिंता है भैया? नहीं बहुत हुआ, अब कृपा करके स्पष्ट करोगी कि बात क्या है? प्रतिदिन एक ही रथ लगाए, दरबार महाराज तथाचार्य, दरबार महाराज तथाचार्य, दरबार महाराज तथाचार्य। तभी महामंत्री और धनमनी भी बोलता। आपको स्मरण भी है कि आपका अपना घर, अपना परिवार, अपनी अम्मा और अपनी पत्नी भी है। अरे ये क्या बात हुई? मैं रात्रि से प्रातः काल तक तो तुम लोगों के साथ ही रहता हूँ, खाता हूँ, सोता हूँ और खाना खाया और सो गए, प्रातः काल उठे, स्नान किया और दरबार चले गए। इसे साथ में रहना नहीं कहते। इतने दिन हो गए, ना कोई अवकाश, ना कोई परिवर्तन, ये भी कोई जीवन है? अच्छा ये बात है, चिंता ना करो, सप्ताह के अंत में जिस दिन अवकाश मिलेगा तुम सबको राजमहल दिखाने ले चलूंगा। तुम अभी जाके महाराज से निवेदन करो कि तुम्हें कुछ दिन का अवकाश दे दे और हमें भ्रमण के लिए ले जाओ। मैं बूढ़ी हो गई हूँ, पता नहीं कब भगवान का बुलावा आ जाए। नहीं अम्मा। हाँ आपका अपनी अम्मा के प्रति कोई उत्तरदायित्व है भी या नहीं? कब से बूढ़ी हो गई अम्मा? उत्तरदायित्व है ना, मैं जो भी करता हूँ तुम सबके लिए तो करता हूँ। केवल कहने से नहीं चलेगा, हमें भ्रमण पर जाना है, अवकाश लीजिए तुरंत। परंतु अम्मा मैं आज ही बात करता हूँ, मैं महाराज से बात करता हूँ। कीजिए, जब तक आप दरबार से लौट कर आएंगे हम अपना पोटली सामान तैयार रखेंगे, प्रस्थान के लिए तैयार। अरे सुनो तो, हे माँ, ये क्या कोई नई समस्या है? पागल है पागल।
महाराज कृष्णदेव राय की जय। 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 विजयनगर में महाराज का स्वागत है। आशा करते हैं आपकी ससुराल की यात्रा मंगलमय रही होगी। जी गुरुवर, अत्यंत मंगलमय रही। क्षमा कीजिए महाराज, बहुत दिन आपको वहां रहना पड़ा। महारानी तिरुमलम्मा जी की माता जी अब कैसी हैं? गुरुवर, महारानी तिरुमलम्मा जी की माता जी नहीं, महारानी चिन्ना देवी जी की माता जी अस्वस्थ थी। हाँ? परंतु मंत्रीवर तो कह रहे थे। जी जी, वो त्रुटि हो गई होगी उनसे। त्रुटि? ओ अच्छा अच्छा अच्छा, गलत ससुराल चले गए थे आप। अब गुरुवर वो, जी वो महाराज, हमारा एक निवेदन है, आज राज दरबार में सावधान, सब सावधान, सब सावधान, रुक जाइए सब। महाराज एक विचित्र पशु दरबार में प्रवेश कर गया है। क्या है आप, अर्थात कौन है आप, और इस प्रकार हमारे दरबार में प्रवेश करने का प्रयोजन? प्रतीत होता है ये कुछ कहने का प्रयास कर रहे हैं। गुरुवर ये कौन सी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं? मनी, यह हमारे गुरुजी की बोलती बंद हो गई है। ये क्या बताएंगे कि ये विचित्र मनुष्य आखिर है कौन? गुरुजी सांसें लेना तो नहीं भूल गए? होश में आइए। राम आचार्य, सारी को पकड़ो से। ये दरबार में प्रवेश कैसे कर गया? आप लोगों को यहाँ किस कार्य के लिए नियुक्त किया गया है? ज्ञात होना चाहिए आपको। आचार्य, आपने मुझे नहीं पहचाना। तो कोई जाना पहचाना व्यक्ति लगता है। मैं कोतवाल हूँ। कोतवाल? कोतवाल? तेरा ये हाल? महाराज मैं कोतवाल हूँ। कोतवाल? आपकी दशा कैसे हुई? किसने की आपकी दुर्गति? आपकी उस नरभक्षी बाघ ने महाराज। हमारे बाघ ने? क्षमा कीजिएगा महाराज, आपने उस मारी पट्टी वन में उस आतंक फैलाने वाले बाघ को पकड़ने भेजा था। स्मरण है हमें, भली बात ही स्मरण है। पास के गांव वाले किसान इस बाघ के भय से अपने खेतों में नहीं जा रहे थे। ये समय खेतों में बीज बोने का है, यदि ये निकल गया तो किसान अपने खेतों में फसल नहीं बो पाएंगे। इसी कारण हमने आपको भेजा था उस बाघ को पकड़ने के लिए। तो क्या आपने उस बाघ को पकड़ा? हाँ, पकड़ तो लिया, लेकिन मैंने नहीं, महाराज उसने मुझे पकड़ लिया। और ये दुर्गति की उसने मेरी, महाराज उसने मुझे पकड़ के झाड़ी की ओर घसीटना शुरू कर दिया और एकदम से फिर रुक गया। मुझे लगा महाराज या तो वो सांसें ले रहा है या तो फिर मुझे खाने का मन बना रहा है। मैं भागने का प्रयास किया लेकिन फिसल गया और वो खाई में जाके गिर गया। महाराज सूखा तालाब था मेरा, कीचड़ से भरा हुआ था और महाराज मैं इस तरह पूरे कीचड़ में सन गया। महाराज बाघ मुझे ढूंढ रहा था लेकिन न वो मुझे ढूंढ पाया न सूख पाया। महाराज इस मिट्टी का मैं बहुत बड़ा आभारी हूं, इसकी वजह से मेरी जान बच गई। महाराज बाघ तो चला गया लेकिन मैं पूरी रात्रि इसे कीचड़ में पड़ा रहा। जैसे प्रातः काल हुआ मैं भाग कर यहाँ पहुंचा
महाराज वो अत्यंत भयानक बाघ है, मैं अत्यंत कठिनाई से इस कीचड़ के कारण अपनी जान बचाकर आप तक पहुंचा हूं महाराज, नहीं तो आपके समक्ष मेरा शव होता। ये क्या बच्चों की तरह रो रहे हो? विजयनगर के कोतवाल हो, द्वारपाल नहीं हो। अगर आपने उस भयानक बाघ को देखा होता ना तो आपकी भी यही दशा होती। वो बहुत ही चालाक है, उसकी भयानक गर्जना सुनकर प्राण सूख जाती है ना। उसके द्वारा पकड़े गए आज तक किसी प्राणी का शव नहीं मिला, महाराज हड्डियां चबा जाता। मंत्रीवार जी। महाराज, महाराज हम अभी अभी सेना की एक टुकड़ी मारीपट्टी के जंगल में भेजते हैं। यदि महाराज की आज्ञा हो तो हम अपने विचार प्रकट करें। हम आपके विचार पहले ही समझ गए हैं गुरुवर। मंत्रीवर, ये देखिए, इसे कहते हैं शूर वीरता। आचार्य तथाचार्य हमारे राज पुरोहित पंडित है ये, परंतु अपने प्राणों की चिंता किए बगैर हमारे राज्य के हित के लिए, हमारे सम्मान के लिए, उस नरभक्षी बाघ के आखेट के लिए कितने तत्पर हैं ये, अद्भुत गुरुवर। गुरुजी, मुझसे शब्द उगलिए। हम नहीं, हम तो आपके विषय में अपने विचार प्रकट कर रहे थे महाराज, कि आप स्वयं आखेट करने जाएं। हम गुरुवर जी। महाराज, अब आखेट का आखेट हो जाएगा और राज्य की प्रजा भी प्रभावित हो जाएगी कि महाराज स्वयं हमारी समस्याओं के लिए कितने जागरूक, स्वयं अपने आप को प्रस्तुत कर रहे हैं हमारी समस्याओं के हल के लिए। आपका कथन तो सत्य है गुरुवर, परंतु हमारे हृदय परिवर्तन के पश्चात हमने पशुओं का आखेट करना त्याग दिया है। किसी निरीह पशु का आखेट करने में अब हमारी कोई रुचि नहीं रही है गुरुवर। परंतु महाराज, वो तो एक खूंखार नरबक्षी है, निरी कहाँ है? सत्य कह रहे हैं आप मंत्रीवर, हम जाएंगे आखेट पर। सेना की तीन टुकड़ियां तैयार कीजिए और यात्रा के प्रारंभ की तैयारियां कीजिए। महाराज आप निश्चिंत रहिए। बच गए। और हाँ, हम आखेट पर जा रहे हैं ये बात सुनकर हमारी महारानियां भी हमारे साथ चलने के लिए तत्पर होंगी, कृपया उनके हमारे साथ चलने का आयोजन भी कीजिएगा। महाराज, केवल कहने से नहीं चलेगा, हमें भ्रमण पर जाना है, अवकाश लीजिए तुरंत। महाराज आपसे एक निवेदन है, यदि आप आज्ञा दें तो मैं भी अपने ग्राम तेनाली हूँ। वो क्या है कि मेरा परिवार कई दिनों से आग्रह कर रहा है कि उन्हें भ्रमण के लिए जाना है, तो जब आप दरबार में नहीं रहेंगे तो फिर मेरा भी यहाँ क्या काम होगा, है कि नहीं? नहीं पंडित रामकृष्णा जी। महाराज आप भी हमारे साथ चल रहे हैं आखेट पर। जी महाराज, मेरा जंगल में क्या क्या काम होगा? पंडित रामकृष्ण, यदि आप हमारे साथ रहेंगे तो हम आपके साथ कुछ सामाजिक विषयों पर विचार विमर्श कर पाएंगे और फिर हम वहां पर एकाकी रहेंगे। यदि हमें किसी सलाह की आवश्यकता पड़ी तो हमारे सलाहकार, हमारे विशेष सलाहकार तो हमारे साथ होने चाहिए ना। और हाँ, यदि आप चाहे तो अपने परिवार जनों को भी अपने साथ ला सकते हैं। रामा, किस ग्रह नक्षत्र में जन्म लिया है तूने? तू तो फिर फंस गया, अब क्या करेगा? चुप। अति उत्तम विचार है महाराज। अब पंडित रामा कृष्णा को भी वन में बाघ से भेंट करने का अवसर मिलना चाहिए ना। जी गुरुवर जी। वैसे वन में आप भी हमारे साथ चल रहे हैं गुरुवर? जी महाराज। बहुत उचित विचार है महाराज।
शब्द भी है शब्द। महाराज हमें एक अत्यंत महत्वपूर्ण अनुष्ठान का आयोजन करना है तो अनुष्ठान आने के पश्चात हो जाएगा गुरुवर। और हाँ, हमारा आग्रह है कि आप गुरु माता को भी अपने साथ लेकर चलें। गुरुवर आएंगे ना? मर गए क्यों गुरुवर? आप ही आग्रह कर रहे थे ना कि हम आखेट पर जाएं। आइए उस नरभक्षी बाघ के दर्शन साथ मिलकर करते हैं। हे भगवान, क्या करें क्या करें, तो बाघ वो भी नरभक्षी, क्या होगा हमारा, हम कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। पधारिए प्रभु। क्या? अभी आपकी आरती की तैयारी करते हैं। क्या कर दिया ये वरुण माला जी? यदि हमारे चरणों को बखार नहीं था तो कह देती हम खड़ा उतार देते। हम आपकी भक्ति में इतने तल्लीन रहते हैं कि उस ओर तो हमारा ध्यान ही नहीं गया। अब क्या होगा चरणों को बखारने से? कुछ नहीं, महाराज के कारण हमें वन में भटकना होगा, ना जाने कितने कंकड़ पत्थर और कांटों के आघात को सहना पड़ेगा हमारे इन कोमल चरणों को। क्या कह रहे हैं प्रभु, महाराज ने आपको वनवास दे दिया? हे भगवान, शुभ शुभ बोला करो, महाराज हमें अपने साथ वन में ले जा रहे हैं आखेट के लिए। ओ, प्रभु आप तनिक भी चिंता ना करिए, आपके चरणों के सब कंकड़ पत्थरों को हम अपनी पलकों से स्वच्छ कर देंगे। अवश्य अवश्य आपकी पलकों को ये अवसर अवश्य उपलब्ध होगा जी। जाइए, जाकर चलने की व्यवस्था कीजिए। हम भी अत्यंत ही आनंद आएगा, वन में तो हाथी मोर बंदर सभी कुछ मिलेगा ना देखने को। बाघ भी जी, वो भी नरभक्षी, वो भी वहां उपस्थित होगा। हमें तो ऐसा प्रतीत होता है कि सबसे पहले वो हमें पकड़ेगा। हमारी भी यही अभिलाषा है, उद्धार ही हो जाएगा। क्या चाहती हो, वो हमें खा जाए? नहीं नहीं, हमारा ये तात्पर्य नहीं था, हम तो ये कहना चाहते थे कि महाराज उसका वध करे, उससे पहले वो आपके दर्शन एक बार अवश्य ही कर ले, इससे अगले जन्म में उसको एक अच्छी योनि में जन्म लेने का अवसर मिल जाएगा। ए भगवान, ये कौन से जन्म के पाप का दंड है जी? आपने कुछ कहा? हाँ कहा, हमने कहा जाओ, जाकर चलने की तैयारी करो हमारी प्रिय वरुण माला। जो आ गया। अच्छा गुरुजी, अब हमें भी आज्ञा दीजिए, हम जा रहे हैं अपने गांव। हाँ गुरुजी, आप बिल्कुल भी चिंता मत करना, हम आपके चौथे में अवश्य आएंगे। इधर जी गुरुजी। तुम दोनों हमारे साथ चल रहे हो क्या गुरुजी? आपने भी अपनी तरह हमको मूर्ख समझ रखा है क्या, जो स्वयं मृत्यु के मुख में चले जाएं? नहीं नहीं, हम नहीं जाएंगे। कारागृह में डलवा देंगे, जीवन पर्यंत वहीं पे सड़ते रहना। नहीं नहीं नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते गुरुजी। ने अवश्य कर सकते हैं, और ये कार्य तो चुटकियों में कर सकते हैं। अब हम चलते हैं। गुरुजी, क्यों आप इतने उतावले हो रहे हैं उस नरभक्षी बाघ से भेंट करने के लिए? कहा जाएगा मूर्खो, बाघ से भेंट करने नहीं जा रहे हैं, अपनी पूजा संपन्न करने जा रहे हैं। पूजा? सौंदर्य की देवी की पूजा। महाराज समझते क्या है मुझे, शूरवीर योद्धा आखेट करने वाला कुशल शिकारी। कभी पहलवान से भिड़ा देते हैं, कभी भूतों को पकड़ने भेज देते हैं, कभी स्वर्ग भेज देते हैं, अब उस नरभक्षी बाघ के समक्ष धकेल रहे हैं। अम्मा सावधान, अम्मा की लाठी के पहुंच से दूर रहिए। पहले ये बताइए, महाराज से अवकाश प्राप्त किया? क्या हम भ्रमण के लिए जा रहे हैं या नहीं? नहीं जा रहे, जा रहे, जा रहे। कहाँ जा रहे हैं? For more updates, subscribe to our channel.
Click the show links and enjoy watching the videos.